नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बहुजन समाज की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, 2022 से पहले हो सकते हैं चुनाव और उस चुनाव के अंदर फिर दोबारा से बसपा और सपा का मजबूत गठबंधन हो सकता है। जबकि हाल ही में जो अभी गठबंधन हुआ था उसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी पूरे देशवासियों को, और क्यों ना हो, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी है बहुजन समाज और जिसकी सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती। कुछ नया फेरबदल, कुछ नए समीकरण, कुछ नए आंकड़ों को लेकर फिर दोबारा गठबंधन हो सकता है सपा और बसपा के अंदर। कई जगह पे हरियाणा और पंजाब जैसे जगहों पर चुनाव हुए हैं जिसपे सपा और बसपा की बहुत अच्छी पकड़ नहीं आ पाई है, और अब लगता है कि दोनों के अंदर फिर दोबारा से कुछ नए समीकरणों को लेकर फिर दोबारा एक बड़ा गठबंधन हो सकता है। और इस गठबंधन से पहले भी लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद का रिजल्ट भी बहुत आया था, क्योंकि वोट बैंक बहुत अच्छा बना था बहुजन समाज का और सपा का, दोनों का बहुत अच्छा गठबंधन नज़र आया था। लेकिन किन्हीं कारणवश गठबंधन के जो रिजल्ट थे, जो आंकड़े लगाए जा रहे थे, वहां तक नहीं पहुंच पाए और भाजपा ने बाजी मारी थी। भाजपा ने बाजी मारी तो पूरे देश के अंदर से ईवीएम की आवाज आने लगी कि ईवीएम के अंदर फेरबदल किया गया है, और इस वजह से कारण, क्योंकि बहुजन एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आंकड़े थे या तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर वोटिंग होती है बहुजन समाज पार्टी बसपा की, या फिर बहुत बड़ी तादाद के अंदर वोटिंग होती है सपा की। लेकिन इन दोनों के टाई अप होने के बाद, इन दोनों का गठबंधन, बड़ा एक महागठबंधन जिसे बोला जा रहा था, गठबंधन होने के बावजूद भी वो आंकड़े क्यों नहीं सफल हो पाए, उसका एक बहुत बड़ा कारण सबने बताया कि ईवीएम को लेकर उन्होंने बताया। अभी हाल ही में सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने उनके ऊपर एक केस चल रहा था सपा अध्यक्ष के ऊपर गेस्ट हाउस कांड का, उन्होंने भी उसको वापस ले लिया है और उनसे कोई नाराज़गी भी नहीं दिखाई है। तो लोगों के अपने जो एनालिसिस करते हैं, उन्होंने लगाया इसका अनुमान कि 2022 को इसको गठबंधन से जोड़कर भी दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोनों को मिलकर लड़ना पड़ेगा मनुवाद व्यवस्था की सरकारों से, और इस जीत के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और जो एकजुट हुआ भी है, जो बहुजन समाज का 85% बोला जाता है वो एकजुट है, और 2022 के अंदर जो भी इलेक्शन रहेंगे उनको बहुत अच्छे से रिजल्ट निकल के आने की उम्मीद है सपा और बसपा के झोली में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।